मैं हूं अंकिता भार्गव, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और आपका स्वागत करती हूं आपके फेवरेट डायरेंट शो इटर्नल हेल्थ में, यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य। दोस्तों, आजकल की फास्ट मूविंग लाइफ में आपने फास्ट फूड के बारे में तो सुना ही होगा। अब फास्ट फूड को हम जैसे ही अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, उसका सेवन करना शुरू करते हैं, हमारी हेल्थ तो नहीं बल्कि हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फास्ट ग्रो करने लगती हैं। अब ये बात तो वो लोग जानते ही हैं जो फास्ट फूड का सेवन करते हैं, और अगर नहीं भी जानते तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी हेल्थ खराब होने लगती है, हमें इस बात का पता चल ही जाता है। दोस्तों, सूक्ष्म आयुर्वेद की जो श्रृंखला हमने शुरू की है, आज हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो हमें बताएंगे कि फास्ट फूड हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। प्रताप चौहान, आपको विश्व के अग्रणी आयुर्वेदाचार्यों में शुमार किया जाता है। आप आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रचलित करने के लिए प्रयासरत हैं, और इसी उद्देश्य हेतु आपने अमेरिका, यूरोप सहित 40 से भी ज्यादा देशों में जाकर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में व्याख्यान दिए हैं और दे रहे हैं। आप विश्व के पहले आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रण करके विश्व के घर घर में पहुँचाया है और लोगों का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर उपचार किया है। आप देश के जाने माने आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान जीवा आयुर्वेद के चेयरमैन हैं। आपने आयुर्वेद के विषय में प्रसिद्ध पुस्तक इटर्नल हेल्थ सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान देखते हुए आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। अभी आप अपने संस्थान जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद को शिखर की ओर ले जाने में अग्रसर हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान का। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे शो इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद की दृष्टि से जी फास्ट फूड के मायने क्या हैं, पर उसके पहले दर्शकों को अपना नंबर बता देती हूँ। जी दोस्तों, हमारा नंबर है 0129408152। फास्ट फूड को लेकर अगर आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं या आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, हमें फोन कीजिए, क्योंकि डॉक्टर प्रताप चौहान आपको देंगे उस सब का आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। हमें आपके फोन का इंतजार है। डॉक्टर साहब जी, आप बताइए कि फास्ट फूड के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, फास्ट फूड तो एक सिंपल सा शब्द है, फास्ट फूड जी। तो इसको पता नहीं, ये इतना बड़ा एक इंडस्ट्री बना करके जो पेश किया गया, ये मेरी समझ में नहीं आया। इस पर मैंने काफी रिसर्च की है और कई चीजें पता लगाई हैं। जहाँ तक अर्थ की बात है तो फास्ट फूड, फास्ट का मतलब तेज, फूड का मतलब भोजन जी। मतलब ऐसा खाना या भोजन जो बहुत जल्दी से हम तैयार कर लें जी। मेरे ख्याल से तो यही अर्थ इसका है जी। क्योंकि इसको फिर मार्केट किया गया कि आजकल हमारी लाइफ बड़ी फास्ट है जी। टाइम हमारे पास है नहीं, तो हमें फास्ट फूड चाहिए। मतलब कोई ऐसा भोजन जो जल्दी से बन जाए, आधा घंटा ना लगे, जिसको बनाने में 5 मिनट में बन जाए, 10 मिनट में बन जाए, ज्यादा ज्यादा उठाएं और खा लें और चल दें काम। बिल्कुल, तो वो तो यहाँ तक अर्थ तक तो ठीक है, लेकिन असली परेशानी ये जो मेरे को समझ में नहीं आई अभी तक भी, कि ये फास्ट फूड के नाम पर जो भोजन जो मिलता है जी, जो कि अनहेल्दी खाना है। बिल्कुल, मैंने जब इसका पूरा पता लगाया कि क्या क्या चीज इसमें होती है फास्ट फूड में, तो मैं बाहर विदेशों में भी जाता हूँ तो मैं ये सारी चीजें देख करके, तो मैंने फिर पता ये किया कि एक्चुअली में फास्ट फूड स्लो यू डाउन। अच्छा, हैं तो फास्ट जी, लेकिन आपको स्लो कर देते हैं वो। इसको मैं समझाऊंगा कैसे। दूसरा, फिर मैंने लोगों को इसका एक तरीका ये बताया कि इट इज बेटर टू फास्ट देन टू ईट फास्ट फूड। व्रत करो, फास्ट फूड मत खाइए। आपकी ये लाइंस, आपकी कहावतें मुझे बहुत पसंद आती हैं, आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आती होंगी, इसीलिए मैंने बताई हैं। लेकिन जो अर्थ आपने पूछा, देखिए अर्थ तो सिंपल है कि ऐसे भोजन जो आज, ये मैं मानता हूँ कि हमारी लाइफ बहुत फास्ट है, समय की कमी है जी। तो ऐसे कौन कौन से भोजन हैं जो कि हम जल्दी से पकाएं ताकि हम अपना समय बचा सकें और अपना काम कर सकें। लेकिन फास्ट फूड के नाम पर जो अनहेल्दी फूड्स जो मिल रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आता कि इसके पीछे क्या राज है। क्योंकि फास्ट फूड में अगर हमें देखना ही है कि हमारी जीवन में बहुत तेजी आ गई है और हमें खाने के लिए टाइम बनाने के लिए नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से जिनको के हम बिल्कुल, जो आज फास्ट फूड मिल रहा है उससे बहुत अच्छी क्वालिटी की। देखना केवल हमें हमेशा यही है, हम लोग सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म आयुर्वेद की बात कर रहे हैं,
हमें यही देखना है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं, चाहे वो फास्ट है या वो कैसा भी खाना है, वो अंदर जा करके हमें क्या करता है जी। क्योंकि अभी जब रिसेंटली ये शुरू हो गया है, लोगों को थोड़ी ये अवेयरनेस आई है कि भाई फास्ट फूड से जो है बहुत बीमारियां आ रही हैं जी। अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी सुपर साइज मी जी, अमेरिका में बनी थी, आपने अगर नहीं देखी तो जरूर देखना इसको जी। एक व्यक्ति जो है एक महीने तक प्रण करता है कि मैं फास्ट फूड खाऊंगा और उसने पूरा रिकॉर्ड किया। पांचवे दिन उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हाँ जी, 25वें दिन वो पूरा मरने की तैयारी पर था, रोज फास्ट फूड ही खाता था और कुछ नहीं खाता था। अच्छा, ये तो सत्य है, सबने देखा है इसको, रिकॉर्डेड है ये, डॉक्टर्स ने चेक किया है जी जी। सुपर साइज मी आप देखना है कि डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है जी। और जब 25वें दिन उसके घर वालों ने उसके हाथ जोड़े कि भाई ये बंद कर दो, कह रहे नहीं पूरे 30 दिन करूंगा, तो 30 दिन उसने किया। लेकिन अभी इस बात को जो बनी थी डॉक्यूमेंट्री, शायद 3-4 वर्ष हो गए हैं, अभी तक भी उसके शरीर में इतनी सारी बीमारियां जो उसकी वजह से हुई 30 दिन के अंदर। तो कहने का एक महीने के सेवन ने, एक महीना केवल, 5वें दिन उसको बीमारी आ गई, एक महीना तो बड़ी बात है जी। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा ये शरीर है, हमें सूक्ष्म रूप से ये देखना है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो अंदर जाके हमारे शरीर में क्या कर रहा है, हमें कोई न्यूट्रिशन उससे मिल रहा है, कोई पोषण मिल रहा है, कोई धातु बढ़ रहे हैं हमारे, वात पित्त कफ पर उसका क्या असर पड़ रहा है, इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, चाहे किसी प्रकार का भी खाना खाते हैं। ये कोई फैशन नहीं है, आजकल इसको फैशन मानते हैं लोग, क्योंकि आजकल तो बच्चों के भी, स्कूल के बच्चे भी फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं। देखिए कहीं ना, इसके बारे में और आगे बात करेंगे, पहला फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में, आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? रमेश जैन बोल रहा हूँ, रोहिणी से। रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी बताइए, आपकी क्या परेशानी है? ये मेरे को एसिडिटी बनती है और खट्टी डकारें आती है जी जी, और मेरे को रोज ये रेबीमेड DSR की टेबलेट सुबह खाली पेट लेनी पड़ती है। अच्छा, वो अगर टेबलेट नहीं लेता हूँ तो मुझे ये एसिडिटी काफी बन जाती है और उल्टियाँ, खट्टी खट्टी उल्टियाँ होती है दिन में। देखिए एसिडिटी आजकल बहुत एक कॉमन सी समस्या बन गई है हमारे समाज में। हाँ जी। और आपने देखना है कि एसिडिटी क्यों बनती है, तो कई कारण होते हैं, कई बार हमारा जो खाना है जो हम खा रहे हैं उसमें कोई एसिड पदार्थ ज्यादा हम सेवन करते हैं उसकी वजह से बढ़ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम आजकल जो बाहर खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमारे काम आजकल बाहर ज्यादा होते हैं और ट्रेवलिंग का भी काम होता है, जो बाहर खाना खाते हैं, कई लोग फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड का आज हम जो है यहाँ पर टॉपिक हमने आज लिया भी हुआ है, तो आपने सबसे पहले देखना ये कि कारण उसमें क्या है, क्यों आपके शरीर में पेट में इतना जलन या एसिड बन रहा है। तो पहले तो बाहर का, डॉक्टर साहब पहले तो बाहर का खाने का काम बहुत पड़ता था, आजकल तो बाहर का बहुत कम कर दिया है। बाहर का कम कर दिया, पहले खाते थे बाहर का? पर वो मेरे को रेबीमेड DSR जो कैप्सूल हो गया टेबलेट है वो रोज खानी पड़ती है, वो खाता हूँ तो ठीक रहता है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो क्योंकि आपका जो टेबलेट है वो जो अंदर एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करके रखती है, लेकिन आपको ठीक करना है उसको, तो अगर आपने खाना अभी ठीक कर दिया है ये तो अच्छी बात है। दूसरा इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप इसको बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं तो एक तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप रात को सेवन करिए रोज। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण? त्रिफला चूर्ण हल्के से गुनगुने पानी से या दूध के साथ, उससे क्या होगा कि सुबह आपका पेट साफ रहेगा और जो जितना भी एसिड अंदर जो जमा होता है वो बाहर निकल जाएगा। दूसरा हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कि अभी आपका खाना कह रहे हैं ऊपर की तरफ आता है या ऊपर जलन आती है, उसको हमें नीचे की तरफ करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में आंवला चूर्ण भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको एक और मैं नुस्खा बताता हूँ, वो आप घर में बना के रखिए। 20 ग्राम सौंफ ले लीजिए, 20 ग्राम सौंफ, हाँ 20 ग्राम पुदीना ले लीजिए, 20 ग्राम पुदीना, पुदीना हाँ जी, और उसमें 5 ग्राम भून करके हींग मिला लीजिए। ठीक है हाँ जी, और इस मिक्सचर को जो है आप खाने के पश्चात 1 चम्मच जो होती है छोटी टीस्पून उसको हल्के से गुनगुने पानी से ले लीजिए। तो इसमें क्या है कि जब भोजन आपने खाया और एक तो ये भोजन को पचाने में फायदा करेगी, दूसरा अगर कोई भी चीज ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा नुस्खा है कि जो वायु को नीचे की तरफ वो डाउनवर्ड करता है, तो जितना भी आपका कोई अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा वो, ठीक है, और वो अंततः वो बाहर निकल जाएगा आपके शरीर से।
ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं आशा करती हूँ कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरे विचार से एसिडिटी भी एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो फास्ट फूड के सेवन से होती है। बिल्कुल, अगर आप फास्ट फूड नहीं खाते तो आपको ऐसा लगता है आप कोई बैकवर्ड या किसी गांव के रहने वाले। लेकिन एक चीज और बताऊं आपको, अभी एक नई चीज आई है, अभी इंडिया में नहीं आई, विदेशों में जब लोगों को ये मालूम चलने लगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री बनी और कई चीजें ऐसी जो लोगों को पता चली कि ये तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो अभी वहां पर एक और नई चीज शुरू होगी, उसको बोलते हैं स्लो फूड्स। स्लो फूड? हाँ जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही फनी साउंडिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। इसी को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल दोस्तों, ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं स्लो फूड्स के बारे में, और मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि फास्ट फूड तो होते हैं पर स्लो फूड्स क्या है, जानेंगे ब्रेक के बाद। हमारा नंबर है 01294088152। आपके हर सवाल हर परेशानी का आयुर्वेदिक सोल्यूशन डॉक्टर प्रताप चौहान के पास है, हमें फोन कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।